जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये बताऊंगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं या आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा है तो आप उसका सामना कैसे करें। ये कहानी है एक बहुत गरीब किसान की, लेकिन किसान बहुत मेहनती था और हमेशा खुश रहा करता था। वह रोज़ सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज़ उसके साथ मंदिर जाया करती थी। प्रार्थना करने के बाद वह दोनों सारा दिन खेतों में काम किया करते थे। उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वे कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा पाते थे, लेकिन फिर भी जितना कमाते थे उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देते थे। एक दिन उस किसान के गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज़ का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को। लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज़ उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाया करती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि मैं किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालते हुए बोला कि उसके पास इतने ही रुपए हैं। साथ ही सेठ ने कागज़ पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसे की आवश्यकता हो तो वह बेहिचक मांग ले। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उनको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, साथ ही जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। दोस्तों, हमेशा बुरे वक्त में या फिर कोई परेशानी हो, हमेशा भगवान पे पूरा पूरा विश्वास रखें। वो आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।